इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी सी एच अब्दुलरहमान साहब हमारे साथ मौजूद है मीनारा मस्जिद पर, जहां पर सब परचम तले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने आज एहतजाज किया ज़बरदस्त। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस एहतजाज को ये कहां तक ले जाएंगे और आपने ये जो एहतजाज किया है आपकी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का आगे का लाहेमल क्या होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है शुरू से इस बिल के खिलाफ है। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन जो है इंडियन मुस्लिम लीग ने दायर किया है और इस जंग को जो है ये हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान का दूसरा आज़ादी का जंग है, क्योंकि देश को आज़ाद करने में जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर के ब्रिटिश को 200 साल वाले ब्रिटिश ताकत को यहाँ से उठा के फेंके थे, और अब जो है जो लोग उसी उसको भी साथ देने वाले जो सरकार अभी यहाँ पर मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, वो लोग जो देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं उसके खिलाफ हमारे ये एहतजाज है। और यहाँ के बरसों से सदियों से यहाँ पर रहने वाले लोगों को एक ही सेकंड में उठा करके ये लोगों ने जो है इनको घुसपैठी या देशद्रोही या देश के नहीं रहने वाले बोल के इनका नागरिकता छीनने का जो काम ये लोग ने लाया है ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए हम इसका और ये धर्म के आधार पर किया गया है इसलिए हम गली गली में इसका जागरूक करेंगे। हर जो पार्टी हर जो संस्था हर जो तंजीम इसके खिलाफ पुरअमन एहतजाज करें हम उनके साथ में हैं। हमारी ये जंग जो है जब तक ये सरकार ये बिल को वापस नहीं लेते इस कानून को जो है जो जनद्रोही कानून को ख़त्म नहीं करते हमारे ये एहतजाज चालू रहेगा। और यहाँ से ये कुछ भी कर ले इसका साथ साथ मैं आपके माध्यम से मुंबई के पुलिस को भी जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है पुरअमन एहतजाज करने वाले लोगों के ऊपर सीधा सीने के ऊपर गोली चला करके लोगों को हत्या कर रहा है। ये लोगों ने शुरुआत जो है कर्नाटका से मैंगलोर से किया, वहाँ पर आपको वीडियो देख सकते हैं पुरअमन एहतजाज खड़े रहकर जो है नारे लगाने वाले लोगों के ऊपर पुलिस ने सीधा छाती के ऊपर गोली मारा है। और क्योंकि ये जो हिंदुस्तान का जो नागरिक जाग चुक जन जो जाग चुका है उनके आवाज़ को ये मतलब दबाना चाहता है इस किस्म के बर्बरियात के साथ में। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ आपके इस बर्बरियतिया से आपका ये जो है बर्बरिज्म से ये जो जो लोग जो हिंदुस्तान के नागरिक जो जाग चुका है आप उसको दबा नहीं सकेगा। ये दूसरा ये स्वतंत्र ये जो है फ्रीडम फाइटिंग ये चालू हुआ है और लोग इसको अपना हक को लेकर के हिंदुस्तान के जो है गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए हिंदुस्तान को पूरे दुनिया के अंदर एक बड़ा ताकत बनाने की कोशिश में लोग जो है कामयाब होगा। आप जो है आपको कामयाबी नहीं मिलेगा, आप हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को दो हिस्सों में बांट नहीं सकेगा। आज हर जगह पर देखो मुसलमान भाइयों से ज़्यादा हिंदू भाइयाँ जो आगे हैं इसके साथ में, इसीलिए हिंदुस्तान के मेजोरिटी ऑफ द हिंदू भाई जो है आरएसएस का जो ये मंशा है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का उसका खिलाफ है। हिंदुस्तान के हिंदू भाई जो है हिंदुस्तान के तहजीब को जो है गंगा जमुना तहजीब बरकरार रखना चाहता है। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ता में कमल चंपा चमेली हर किस्म के फूल हैं और वो बरकरार रखने की हमारी कोशिश है, हमारे एहतजाज जारी रहेगा। जय हिंद जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया हमला सामने मीडिया से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।